डिंडौरी के माधोपुर ग्राम पंचायत की जागरूक महिलाओं ने ट्रक से बिक रहे शासकीय खाद्यान्न को जब्त करवाकर गांव में ही रखवाया है। ग्रामीण महिलाओं के अनुसार शनिवार के दिन शासकीय उचित मूल्य दुकान में ट्रक से खाद्यान्न आया था और आज फिर वही ट्रक रास्ते में कई जगह खाद्यान्न उतारते देखा गया, जिसे कुछ लोगों द्वारा चोरी छुपे ले जाया जा रहा था। महिलाओं को शक हुआ और इन महिलाओं ने पूछताछ शुरू कर दी। जानकारी लगी कि ये खाद्यान्न 184 बोरी उन्हीं के गांव माधवपुर का है और खाद्यान्न सेल्समैन के कहने पर उतारा जा रहा है। इसके बाद सब ग्रामीण एकत्रित हुए और अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। सेल्समैन को बुलवाया गया और मौके पर ही रिकॉर्ड देखकर खाद्यान्न चेक किया गया, जिसमें 184 बोरी कम थी। इसके बाद पंचनामा बनवा कर ग्रामीणों और महिलाओं ने 184 बोरी खाद्यान्न गांव के दूसरे घर में रखवाया है। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि सेल्समैन द्वारिका गौतम ने जून माह का खाद्यान्न वितरण नहीं किया है। केरोसिन और शक्कर तो कई महीनों से नहीं दिया गया है और खाद्यान्न की कालाबाजारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि खाद्यान्न के बोरों में से कुछ बोरे बारिश की वजह से भीग गए हैं, जिनसे दुर्गंध आने लगी है, लेकिन साफ अनाज के बोरों के बीच गीले बोरों को भी रख दिया गया है, जिससे अनाज के सड़ने का खतरा बन गया है। अगर समय रहते खाद्यान्न का वितरण नहीं हुआ तो खाद्यान्न सड़ने की कगार में पहुंच जाएगा। फिलहाल खाद्यान्न को ग्रामीणों ने गांव के ही एक घर में सुरक्षित रखवाया है। जून के माल अभी तक वितरण नहीं है, कहते हैं कि चना भी आई से शक्कर भी आई से, न हम शक्कर दे अभी तक न चावल दे, और अभी कहते हैं कि नहीं तुम्हारा जून का माल हो गया। अभी तक जून के माल मतलब चावल फ्री के वाले चावल नहीं दे, हम दो बार मात्र फ्री वाले चावल दे थे अभी तक, और उसके बाद अभी हम लोग अभी मिट्टी तेल तो 10 महीना से हो गया, और सेल्समैन ने बोलते कि मिट्टी तेल कैसे, तो मैं अपने बाप कहाँ से थोड़ी लाऊं, मेरे बाप की कहा नहीं है मिट्टी तेल, तो मैं कहा कल की बात है भाई, यही से बोली थी। किसी का कार्ड बराबर भी नहीं है, तो जैसे कोई गरीब है 5 किलो कोई गरीब ले रहे हैं चावल, तो उसको दांत के और भगा देता है सेल्स में, तुम्हारे कार्ड में भी हाँ गाली देता है, तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो यहाँ सोसाइटी में क्यों आते, 35 वाले है तो 20 वाले। वही इस पूरे मामले में ग्राम माधोपुर के शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन ने सफाई देते हुए बताया कि ट्रक में TDS और PMG का खाद्यान्न शासकीय उचित मूल्य दुकान माधोपुर पहुंचा था, जहां TDS का खाद्यान्न सेल्समैन ने उतरवा दिया और PGM का खाद्यान्न उतरवाना भूल गया, जिसे अगले दिन उचित मूल्य दुकान में उतारने के लिए ट्रक गांव पहुंचा था। फिलहाल ग्रामीणों ने खाद्यान्न का पंचनामा तैयार कर खाद्यान्न को सुरक्षित रखवा दिया, लेकिन इस पूरे मामले की सूचना विभागीय अधिकारियों को दिए जाने के बाद भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचे, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वहीं ग्रामीणों द्वारा सेल्समैन पर लगाए गए आरोपी की जाँच के बाद मामले का खुलासा हो पाएगा। सेल्समैन हमें न चाहिए, सेल्समैन की कल के डेट में माल उतरने का था तो वो माल वापसी चला गया, दो चार महिला ग्राम के जुड़ के माल को पकड़ा गया, तो माल आज गांव में उतर रहा है, और ऐसा सेल्समैन हमें दोबारा नहीं चाहिए कि हर समय का उसका रिकॉर्ड है, दारू भी पीता है और महिलाओं को भी गाली बकते हैं, और दुकान खोलते हैं तो किसी को सही सलामत से राशन नहीं दिया। कौन है सेल्समैन आपके यहाँ? द्वारका प्रसाद, ग्राम माधोपुर का सेल्समैन। सर मेरे से हो गई भूल, मैं पूरे दिन उतरवाया माल TDS का प्लस PMG का, मैं PMG के चावल को मैं भूल गया सर, क्योंकि उसमें 5-6 मदरा थी, TDS भी रहा, PMG रहा, शक्कर रहा, साझा चूल्हा रहा, MDM रहा, तो मैं PM के चावल को भूल गया सर, मैं भूल दस्तखत भी कर दिया उसमें कि मेरा माल उतर गया है, फिर तत्काल गया हूँ ड्राइवर के पास, ड्राइवर बोला कि भैया मैं पड़रिया के माल उतार दूँ, इसके बाद कल सुबह देख लेंगे, तो सर मैं वापिस हो गया, मैं कहा भैया पड़रिया में उतार दे, कल सुबह मैं आता हूँ 9 बजे 8 बजे माल उतार देना मेरे, और सर मैं सुबह माधोपुर पहुंच गया, अब ट्रक खड़ा है पूरे गांव के आगे कि ब्लैक किया है, यही है सर मेरा सच्चाई, माल उतर गया पूरा पूरा उतर गया सर। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी से दीपक नामदेव की रिपोर्ट।